दोस्तों, चीन आज हर गुजरते दिन के साथ भारत के लिए और भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और अब तो चीन ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से भारत को घेरना भी शुरू कर दिया है। चीन ने हाल के कुछ सालों में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाकर लगभग भारत को अकेला छोड़ दिया है और एक्सपर्ट्स ने इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्लान का नाम दिया है। लेकिन ये समझने की गलती मत कीजिएगा कि भारत इस मामले पर हाथ रख के बैठा सिर्फ देख रहा है। भारत ने भी चीन को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड्स नाम की एक स्ट्रेटजी बनाई है। ये दोनों नाम अगर आपने पहले नहीं सुने तो घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, जहां हम देखेंगे भारत चीन को हराने के लिए क्या क्या कर रहा है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें भारत के रिस्पांस को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि आखिर चीन कर क्या रहा है। चीन ने बीते कुछ सालों में भारत के पड़ोसियों के कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को अपने कब्जे में कर लिया है, जैसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट। इसके अलावा चीन भारत के आसपास के देशों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ऑयल रिफाइनरीज और हाई स्पीड केबल नेटवर्क भी एस्टेब्लिश कर रहा है। चीन इस वक्त अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के अंडर चीन से लंदन और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान से गुजरती हुई एक और रेल लाइन भी बना रहा है जो ईरान में जाकर खत्म होती है। जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जिसके भी पास इंडियन ओशियन का कंट्रोल है उसके पास पूरे एशिया का कंट्रोल है। इंडियन ओशियन से इस वक्त दुनिया भर का 80% ऑयल ट्रेड होता है और यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं जहां अगर किसी भी देश का कंट्रोल हो जाए तो वह पूरी दुनिया का कारोबार रोक सकता है। चीन के पास इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, स्ट्रेट ऑफ बैजल मैंडेव, स्विस कैनाल में इस वक्त मेजर कंट्रोल है। इसके अलावा चीन ने डिजी बाउटी में भी अपना नेवल बेस एस्टैब्लिश कर लिया है और साथ ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड सुंडा स्ट्रेट में भी अपनी डोमिनेंस के लिए इंडोनेशिया के साथ कई डील साइन की हैं, जिसमें उन्होंने वहां पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की है। साथ ही वो मोजाम्बिक सरकार के साथ मिलकर भी सलाम पोर्ट पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। ये सभी पॉइंट्स दुनिया के कारोबार के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर भारत या अमेरिका या फिर कोई भी और देश कभी भी चीन को नाराज करता है या जंग छेड़ता है तो चीन एक झटके में चाहे तो इन जगहों से इन देशों के शिप्स को बैन कर सकता है। तो कहा जा सकता है कि अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के साथ साथ चीन के पास इंडियन ओशन का एक्सेस भी है और साउथ चाइना सी में भी चीन पूरी तरह से डोमिनेंट है, जो उसे सीधा सीधा एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर बना देता है। सिर्फ भारत को घेरने भर की बात नहीं है, ये भी कहा जाता है कि इंडियन ओशन के कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनमें से एक बड़े पोर्शन को अब तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। कहते हैं कि दुनिया का 27.9% नेचुरल गैस का भंडार इंडियन ओशन में ही है और यहाँ पर चीन की डोमिनेंस को कम करना भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम चीन के कब्जे वाले इलाकों को वर्ल्ड मैप पर देखते हैं तो हमें ये मोतियों की तरह लगते हैं जिन्हें चीन ने अपने धागे से बांधा हुआ है, जिस वजह से चीन की इस पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। चीन इस वक्त अपने इस नेटवर्क से आसानी से एशिया, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में खुद की मौजूदगी को जता रहा है। अब देखते हैं कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने हाल के कुछ सालों में चोरी छिपे चाइना को काउंटर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का काफी रोल रहा है। अगर आप देखें तो ग्वादर और डिजबौती पोर्ट पर चीन की प्रेजेंट को काउंटर करने के लिए भारत ने ओमान में एक बेस सेटअप किया है। यहाँ पर हमारे पास एक डकम पोर्ट का एक्सेस है जहां से भारत का इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। इसके अलावा ये पोर्ट अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ईडन दोनों पर ही अपनी नजर रखता है, जो ओमान के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के कारण हो पाया है और इससे भारत को एक बढ़िया डिफेंस पॉइंट मिलता है। इसके अलावा दूसरा चोक पॉइंट जो मोजाम्बिक चैनल है, वहां पर 2015 में भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत भारत अब वहां के एक आइलैंड को मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके बाद वहां की सरकार बदल गई थी, तो इस एग्रीमेंट का क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हुए हम सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं, जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और उसके पास से कुछ इम्पोर्टेंट रीजन्स। यहाँ पर सिंगापुर सरकार के साथ साइन हुई 2018 की कुछ एग्रीमेंट्स के चलते
भारत को काफी फायदा पहुंचा है और यहाँ पर हमारी नेवी को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है, यानी साउथ चाइना सी से गुजरने वाली हमारी नेवी के पास यहाँ पर रिफ्यूलिंग और हथियार कलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट में, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एंट्रेंस पर है, यहाँ पर भी भारत के पास अब मिलिट्री का एक्सेस है। चीन की 70% ऑयल सप्लाई और 60% व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है और यहाँ पर भारतीय नेवी और मिलिट्री की मौजूदगी चीन को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास इंडो वियतनाम डायमंड भी है। वियतनाम के रिश्ते चीन के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर वियतनाम भारत और अमेरिका का काफी अच्छा दोस्त है और भारत वियतनाम को कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई करता है, जिस वजह से 2016 में हमने वियतनाम के साथ भी एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। चीन और जापान की दुश्मनी के बारे में तो आप जानते हैं, साथ ही जापान क्वाड का भी हिस्सा है जिसमें भारत और जापान के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर्स हैं। 2020 में जापान और भारत के बीच एक एक्विजिशन और क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक अब भारत और जापान एक दूसरे को मिलिट्री सप्लाईज और बाकी तरह की सर्विसेज देने के लिए मान गए हैं और अब दोनों ही देश एक दूसरे के डिफेंस एसेट्स का फायदा उठा सकते हैं। जापान के अलावा चीन के नॉर्थ में एक देश है मंगोलिया, जहां भारत ने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टैब्लिश की है। मंगोलिया को 75,000 करोड़ का कर्ज देने की बात भी कही है। मंगोलिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन में इनर मंगोलिया नाम की एक प्रोविंस है जहां पर आजादी की मांग उठती रहती है और ये लोग चीन से अलग होकर मंगोलिया से जुड़ना चाहते हैं, जिस वजह से किसी जंग की सिचुएशन में यहाँ से हमें काफी सपोर्ट मिल सकता है। भारत ने आखिरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो की है वो ईरान के साथ है। ईरान को भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है और ईरान पर जब कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे तब भी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और करीब 3,500 करोड़ की एक डील साइन की थी। ईरान चीन के बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी चीन के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही ईरान का ये पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के काफी करीब है और जब इन सभी लोकेशंस को साथ में जोड़ते हैं तो आपको दिखता है कि भारत ने चीन के आसपास एक स्ट्रैटेजिक नेकलेस बना लिया है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड का नाम दिया गया है। जैसे चीन भारत को पड़ोसी देशों से दूर करने की कोशिश कर रहा था, वैसे अब भारत भी चीन को धीरे धीरे घेर रहा है और अगर कभी हालत ज्यादा बिगड़ते हैं तो भारत इस नेकलेस ऑफ डायमंड की मदद से चीन का गला भी गूंथ सकता है। अभी से आश्वस्त होकर बैठना भी जल्दबाजी होगी। भारत को अभी भी इन देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने हैं, जो समय के साथ हो जाएंगे अगर भारत कोई गलती ना करे तो। आपको क्या लगता है, भारत चीन को घेरने के लिए और क्या कर सकता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।